टेन ऑन टेन पेश करते हैं मसूरी में घूमने के 10 प्रमुख स्थान। नंबर 10, भट्टा फॉल्स। मसूरी के भट्टा गांव के पास मौजूद भट्टा फॉल्स एक अच्छी पिकनिक योग्य जगह है। यहां पहुंचने के लिए आपको काफी ढलान भरे रास्ते से जाना पड़ेगा। पहाड़ों के मध्य में मौजूद इस झरने को देखकर आपको काफी अच्छा लगेगा। नंबर 9, सोहम हेरिटेज एंड आर्ट सेंटर। मसूरी की चामुंडा पीठ मंदिर की सड़क पर स्थित सोहम हेरिटेज एंड आर्ट सेंटर एक निजी कला केंद्र है, जहां पर हिमालय से जुड़ी कई पेंटिंग, भित्ति चित्र, स्क्रैप आर्ट और अन्य वस्तुएं दर्शाई गई हैं। यहां पर आप हिमालय और उत्तराखंड के बारे में करीब से जान पाएंगे। नंबर 8, धनौल्टी। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर धनौल्टी एक सुकून भरा छोटा सा हिल स्टेशन है। धनौल्टी मसूरी से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर कदम रखते ही आपको पेड़ों के बीच से आती हुई चिड़ियों की चहचहाहट अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। नंबर 7, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। क्या आप जानते हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है, एक समय पर मसूरी में ही रहा करते थे। जॉर्ज एवरेस्ट ब्रिटिश हुकूमत में सर्वेयर जनरल थे और उनका घर अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है। हालांकि यहां से आसपास की पहाड़ियों का काफी अच्छा नजारा देखने को मिलता है। नंबर 6, कंपनी बाग। और नंबर 6 पर आता है मसूरी का कंपनी बाग, जो कि हरियाली से परिपूर्ण और सुंदर फूलों की छटा बिखेरता हुआ एक लोकप्रिय बगीचा है। यहाँ पर बोटिंग के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको बागवानी का शौक है तो आप यहाँ से अपने घर के लिए यादगार के तौर पर पौधा भी ले जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस भारतीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियोस सबसे पहले। नंबर 5, गन हिल। गन हिल मसूरी का एक लोकप्रिय व्यू पॉइंट है। मसूरी की इस दूसरी सबसे ऊंची चोटी तक रोप वे के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहां पहुंचते ही आपको पूरे मसूरी को ऊपर से देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर खान पान के साथ साथ मनोरंजक खेलों का भी व्यापक इंतजाम है। नंबर 4, मॉल रोड। मसूरी की मॉल रोड मसूरी की सबसे चहल पहल वाली जगह है। यहाँ सड़क के किनारे कपड़ों की सैकड़ों दुकानें हैं, जहां से आप गर्म कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपकी थकान मिटाने के लिए कई रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर आप छोटे बच्चे के साथ हैं तो यहाँ पर किराए पर ट्रैम भी मिल जाती है। नंबर 3, क्लाउड्स एंड। क्लाउड्स एंड मसूरी की लाइब्रेरी से 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये जगह मसूरी की सीमा समाप्ति को दर्शाती है। जंगली क्षेत्र से घिरी हुई इस जगह के समीप ही बिनॉक वाइल्डलाइफ सेंचुरी भी मौजूद है। यहाँ पर पैदल सैर का एक अलग मजा है। नंबर 2, लाल टिब्बा। व्यवसायीकरण से अछूता लाल टिब्बा लैंडोर के डिपो हिल पे स्थित सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है। यहाँ पहुंचकर आसपास का अद्भुत नजारा आपके होश उड़ा देगा। साइट सीइंग के लिहाज से इस जगह का काफी महत्व है और यहाँ पर टेलीस्कोप भी लगी हुई है, जहां से आप बद्रीनाथ और केदारनाथ की बर्फीली पहाड़ियां भी देख सकते हैं। नंबर 1, केम्प्टी फॉल्स। मसूरी से 13 किलोमीटर दूर केम्प्टी फॉल्स टिहरी गढ़वाल जिले में मौजूद एक प्राकृतिक झरना है। एक लोकप्रिय स्थान होने की वजह से ये जगह पर्यटकों से खचाखच भरी रहती है। 40 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए झरने के नीचे नहाने का मजा कुछ और ही है।